हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है, ताकि सही स्टॉक के बारे में सही टाइम पर सही जानकारी आप लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँ। आज के दिन में मार्केट जहां सुबह कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा था, उसके बाद से मार्केट ने एकदम से रैली अच्छी दिखाई और अच्छी खासी तेजी के साथ में आज के दिन में क्लोजिंग दी है। इन्फोसिस की अगर बात करें तो 8.60 रुपये की बढ़त दिखाई, 1278.95 रुपये पर क्लोजिंग रही और 0.68% के साथ में, जहां प्रीवियस क्लोजिंग 1270 रुपये पर देखने को मिली थी। 5 दिन के अंदर स्टॉक में ऑलमोस्ट 2% की गिरावट हो चुकी है, 1 महीने में 2.5% की गिरावट, जबकि 6 महीने की अगर बात करूँ तो 15.5% के आसपास की करेक्शन देखने को मिल रही है। उस करेक्शन के पीछे की वजह थी क्वार्टर फोर के नतीजे नेगेटिव आए, स्टॉक में गिरावट आई और साथ ही साथ में मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी कि मंदी का जो दौर अभी तक थमा नहीं है, उसकी वजह से भी आईटी सेक्टर की कंपनीज की जो हालत है वो काफ़ी पेचीदा हमें देखने को मिल रही है। बात अगर मैं यहाँ पर 1 साल के डाटा की करूँ तो ऑलमोस्ट 13.5% के रिटर्न्स नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, 5 साल के अंदर 95% के रिटर्न्स पॉजिटिव, जबकि मैक्सिमम रिटर्न्स की मैं बात करूं तो 10,934% के रिटर्न्स जो है इन्फोसिस लिमिटेड ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट्स नेगेटिव होने की वजह से आप लोगों को भी स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिल रही है। अपडेट की बात करें तो देखिए, इन्फोसिस साइन $454 मिलियन डील विद डांस्के बैंक फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस बैंक के साथ में जो है, यानी कि डांस्के बैंक के साथ में $454 मिलियन की यहाँ पे पार्टनरशिप होती हुई नजर आ रही है, जिसका जो 5 ईयर लॉन्ग टर्म में रहने वाली है ये, और ताकि इसको जो है आने वाले टाइम में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाए। और इन्फोसिस जो है इस डील से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे आउटकम दिखा सकती है आने वाले दिनों में। हालांकि अभी इतना ज़्यादा मूवमेंट स्टॉक में नहीं देखने को मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ऐसे ऐसे इफेक्ट्स जो हैं, ऐसे अपडेट्स जो हैं, ऐसी पार्टनरशिप्स जो हैं, वो आने वाले टाइम में इन्फोसिस को काफ़ी हद तक बूस्ट करती हुई नजर आ सकती है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3 से 4 हज़ार तक का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही ग्रुप्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ पे मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूँ। इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप प्रॉफिट प्लस लर्निंग दोनों ही कर सकते हैं, और साथ में मैं यहाँ पे लाइव मार्केट सपोर्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, जिससे टेक्निकल्स को समझने में आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। वॉल्यूम की बात करूँ तो आज के दिन में 35 लाख का वॉल्यूम रहा, जो कि कल के दिन में 38 लाख का था। एक वीक का एवरेज 55 लाख और एक मंथ का एवरेज 66 लाख का है। डिलीवरी की बात करें तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास की डिलीवरी लगातार जो है इन्फोसिस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। साथ में अगर मोतीलाल ओसवाल के अपडेट की बात करें तो 1520 रुपये के टारगेट्स शॉर्ट टर्म के अंदर हमें इन्फोसिस शेयर के अंदर आते हुए नजर आ सकते हैं। कमोडिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो 100% जो है बाय की तरफ इशारा है और 0% सेल एंड 0% होल्ड की तरफ इशारा इन्फोसिस शेयर के अंदर देखने को मिल जाता है। मई महीने की म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 164 म्यूचुअल फंड्स ने इन्फोसिस को बाय किया है, यानी कि मई महीने के अंदर 1 करोड़ शेयर्स का यहां पे बाइंग जो है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से देखने को मिली है। और साथ में अगर मैं बात करूं सोल्ड कितना करा है तो 83 म्यूचुअल फंड्स ने सोल्ड किया है, तो नेट चेंज हुआ 1,21,71,391 शेयर्स का रहा। और करंट टाइम पर अगर मैं बात करूं तो 489 म्यूचुअल फंड्स जो है होल्डिंग्स जो है इन्फोसिस शेयर के अंदर लेके बैठे हुए हैं। देखिए, स्टॉक में गिरावट हुई तो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग यहाँ पे आपको क्लियरली इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है, और यहाँ पे अच्छा खासा मौका, ऐसे ऐसे अच्छे स्टॉक्स में जब जब गिरावट हो, अच्छे इन्वेस्टर्स जो होते हैं जिनको समझ होती है वो बाइंग करके होल्ड कर लेते हैं। बात अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक की करें तो देखिए, जहां मार्केट ओपनिंग के टाइम फ्लैट ओपनिंग थी, लेकिन उसके बाद से एकदम से बाइंग आई और 3% की तेजी के साथ 264.40 रुपये पे जाके स्टॉक ने आज की क्लोजिंग दी। 5 दिन के अंदर 1.47% की गिरावट, 1 महीने के अंदर 1.24% पॉजिटिव, 6 महीने के अंदर आपको 10.5% की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। 1 साल का डाटा देखें तो ऑलमोस्ट 9.62% की गिरावट है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम रिटर्न्स कितने बनाकर दिए, मैक्सिमम रिटर्न्स में देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो इस स्टॉक का जो हाई रहा है वो 550 रुपये के आसपास का है, और करंटली जो है 264 पे, तो ऑलमोस्ट 50% की डिस्काउंट मैं कह सकता हूँ कि स्टॉक में अपने 52 वीक हाई से अवेलेबल है। तो बाइंग के लिए यहाँ पे लिया जा सकता है स्टॉक को, क्योंकि लिस्टिंग को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस कंपनी को, और अभी मूवमेंट जो है स्टॉक में एक बार ही देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो है मार्केट के अंदर ये स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है।
तेजी के पीछे वजह आपको साफ नजर आ रही होगी, वॉल्यूम जो है जो 5 लाख के आसपास का था वो एकदम से आज 7 लाख के आसपास देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं बाइंग की वजह से आज के दिन में स्टॉक में वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिला है। और यहाँ पे देखिए आनंद राठी की तरफ से 310 रुपये के बड़े टारगेट्स जो हैं आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो 100% बाय की तरफ इशारा जो है कम्युनिटी की तरफ से हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर के अंदर देखने को मिल जाता है। बात अगर ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज की करें तो आज के दिन में देखिए 8.5% की शानदार तेजी देखने को मिली, 339 रुपये पे जाके स्टॉक ने क्लोजिंग दी, जहां कल की क्लोजिंग 312 रुपये पे थी। 5 दिन के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही 0.5% की, 1 महीने के अंदर 6.5% के रिटर्न्स, 6 महीने में 1% के, और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 827% के रिटर्न से जाके। हालांकि अगर आप इसकी लिस्टिंग को देखेंगे तो 2019 के अंदर 36 रुपये का स्टॉक था, आज 339 रुपये पे है, और अच्छे खासे रिटर्न्स जो हैं स्टॉक ने 3 साल के अंदर इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिए हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें तेजी देखिए साफ साफ नजर आ रही है कि जो वॉल्यूम 8 लाख 9 लाख 5 लाख के आसपास का था वो आज सीधा 46 लाख के आसपास रहा। डिलीवरी जहां 50% की थी, और साथ ही साथ में देखिए यस सिक्योरिटीज की तरफ से 449 रुपये के टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की जा सकती है। HDFC सिक्योरिटीज 430, यस सिक्योरिटीज 449, और कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो 60% बाय एंड 40% सेल की तरफ इशारा इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो जरूर कहूंगा मैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी अगर आप होल्डिंग लेना चाहें तो इस स्टॉक के अंदर होल्डिंग लेके कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। बात अगर टपारिया टूल्स लिमिटेड शेयर की करूं तो आज के दिन में देखिए आपको 10.50 रुपये क्लोजिंग देखने को मिली। अगर आप इसके ऑल टाइम हाई को देखेंगे तो 82% की गिरावट हो चुकी है, लेकिन ऐसे में कंपनी की तरफ से फिर भी जो है बोनस अनाउंस कर दिया गया है और उसका फायदा जो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको मिलेगा जरूर, लेकिन इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह मैं नहीं दे रहा हूं। फिर भी बोनस के रिगार्डिंग अपडेट आया था तो मैंने आप लोगों से साझा कर दिया है।